अच्छा विवेक, मी टू मूवमेंट चल रहा है बॉलीवुड में और मेनका गांधी ने भी अभी यूनियन मिनिस्टर ने सपोर्ट किया है मी टू मूवमेंट को, जो तनुश्री दत्ता को लेकर भी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपका क्या राय है इस बात? मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, कहीं भी हो, चाहे फिल्म का स्पेस हो या चाहे ऑफिस की स्पेस हो या चाहे जर्नलिज्म की ऑफिस हो, हमें हमारी जो लेडीज़ हैं, हमारी जो औरतें हैं, जो गर्ल्स हैं, उन्हें सुरक्षित महफूज फील कराना ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली एज मैन बट एज अ सोसाइटी, एक समाज के तौर पर भी ये हमारी जिम्मेदारी है। तो चाहे वो हमारी इंडस्ट्री हो या चाहे वो आपकी इंडस्ट्री हो, लेडीज़ को एक रिस्पेक्ट और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिपेंडेंस मिल गई हमको, 70 साल हो गए, लेकिन इस देश में इतने सारी औरतें हैं, लड़कियां हैं, जिनको अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिली। और ये जो कोई भी बिजनेस में, किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे कोई कितना भी बढ़िया हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, मुझे लगता है कि वो पावर, वो मकाम को गलत इस्तेमाल करना, उसका उस पावर का शोषण करने के लिए इस्तेमाल करना, किसी पे दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करना, लॉबीइज्म और ये जो चलता है, लोगों के ऊपर प्रेशर डालना, काम से निकलवा देना, ये कर देना, ये सब अब हट जाना चाहिए। आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है, कभी कभी एक पर्ज होता है ना, जैसे मीटू में हुआ है, एक पर्ज हुआ है कि सिस्टम साफ हो गया वहाँ पर। मुझे भी लगता है कि हमारे यहाँ भी, सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हर बिजनेस में, हर फील्ड में ये पर्ज होना ज़रूरी है। अब हम बॉलीवुड की बात करते हैं, लेकिन यही चीज़ हम जब अपने दोस्तों से बात करते हैं जो जर्नलिज्म में है, मीडिया में है, उनसे भी हमें यही बात सुनने को मिलती है। स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी में है तो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में भी लोग हमसे यही बात करते हैं। जब मैं बड़े बड़े जो सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन है उनसे बात करता हूँ तो वो भी अपनी स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। तो ये जो अब्यूज़ ऑफ पावर है, इसे तो बिल्कुल ही मना कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए और रेपरकशन होना चाहिए। इट्स टाइम फॉर अ चेंज। और जैसे कि इन्होंने कहा है कि सब लोग सामने आएंगे तो बेटर होगा, यू नो मी टू का ज़माना है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, गट्स करके कोई बाहर आता है तो सपोर्ट करो उसे, एंड जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, भले हमारी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री में। हम देख चुके हैं पहले एंड यू नो कहीं ना कहीं सुन चुके हैं, चुप बैठे हैं और पहली बार कोई आया है सामने तो उनको सपोर्ट करो। अगर किसी ने गलत किया है तो ये गलत है, कोई भी हो। अगर हम कोई भी मुद्दे पे नारा उठाते कि देश हमें ऐसा होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, तो अगर कोई बड़ा या छोटा कोई भी गलत करता है तो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई झूठा आरोप लगा रहा है तो वो भी गलत है। और मे बी तनुश्री वांटेड टू गेट इनटू बिग बॉस, दैट्स अ कमबैक, या बिकॉज नाम तो उठ रहा था, बट आई डोंट नो यार, नहीं गई तो क्या ये न्यूज़ करने से मिल जाएंगे? बिग बॉस में आने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। हाँ, यू नेवर नो, क्रिएटिंग कॉन्ट्रोवर्सी में भी सच्चाई भी हो सकती है, झूठ भी हो सकता है। सो एक्चुअली नो कमेंट्स, ईच टू हिज ओन। विद दिस कॉन्ट्रोवर्सी आई फील दैट विद व्हेन कम्स टू लाइक आई हैव बीन अ ग्रेट फैन ऑफ नाना सर एज वेल, नाना पाटेकर सर, एंड आई हैव बीन यू नो सीन तनुश्री मैम एज वेल, बट आई फील दैट यू नो तनुश्री मैम, अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग अहेड एंड सपोर्ट, बिकॉज मैं उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं था। एंड आई थिंक जो भी सच्चाई है सब है, I think that's gonna win, that should win. I should be saying that if Tanushree ma'am has the point where if she's correct or if Nana sir is correct, I hope jo bhi in dono mein se solution nikle, I hope the truth should win. That's what I should be saying, because I was nowhere present and I've just heard things. So I don't know what's the reality and what's the not, but I definitely wish and pray to God ke, how to say, like, you know, the insaf is a big word, but definitely insaf can be, you know, it should be like the truth should win over anything else. So that's what I want to say.